जलंधर तो हुशियारपुर रोड उत्ते आदमपुर नूं जांदिआं झंडू सिंघा नेड़े पिंड है चूहड़वल। ते आओ जी आपां वेखदे आं श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल जो कि संत निर्मल दास जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश की देखरेख डेरा बाबा प्रीतम दास जी पिंड रायपुर रसूलपुर द्वारा की जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला श्री गुरु रविदास साधु संपदा सोसायटी 1964 तो यह शुरुआत हुई। जदों तक महापुरशां ने अपने उपराले अनुसार प्रधान आते रहे होर सारे कार्य करते रहे तो 2005 तो दास नूं सेवा मिली। तो गुरबाणी के अनुसार क्योंकि साडे महापुरश गुरबाणी के अनुसार ही चलते हैं और गुरबाणी के आधार पर ही उन्हों का जीवन है तो गुरबाणी ही उन्हों का सहारा है। तो उस गुरबाणी पढ़ने के नाल जो सानू महापुरशां ने पढ़ाया तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु नानक देव जी बाणी और गुरु रविदास महाराज की बाणी पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अन पाव पाव न दरसे माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन ये विद्या विचारी का परोपकारी ये जो महान वाक है गुरु महाराज जी दे अनुसार महापुरशां ने विचार किया कि साडे इलाके दे विच साडे पंजाब दे विच साडे हिंदुस्तान दे विच बहुत ऐसे लोग है जो विद्या नहीं पढ़ सकते जिन्हां दे कोल दौलत है धन है वह विदेशों में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन जो गरीब है जो दिहाड़ियाँ करते हैं जो अपना जीवन चंगा नहीं बतीत कर सकते उन्होंने बच्चों की संतान वास्ते बड़ी परेशानी है। तो सारे महापुरशां ने यह डिसीजन लिया कि आप इस इलाके दे विच जो दुआबे दे विच वैसे बहुत कुछ है मालिक की बड़ी कृपा है तो दुआबे विच जिन्ने लोग है वह कई लोग ऐसे गरीब है सारे चंगे भी नहीं और बहुते गरीब भी नहीं है एक ऐसे है जो सब तो गरीब है दार देख सब को हस्से महाराज की बाणी च लिखा कि जो गरीब लोग है वह अपना जीवन बहुत चंगा नहीं बतीत कर सकता विद्या बिन महाराज जी कहते पशु जान। तो इस करके महापुरशां ने एक डिसीजन लिया कि सारे बच्चों इकट्ठे करके इलाके दे उन्हां नूं विद्या पढ़ाई जाए। साढ़े 6 एकड़ रकबे विच फैले इस स्कूल का प्रबंध जदों बाबा जी ने सांभिया तां इत्थे सिर्फ 7 बच्चे 17 कमरे सी। अज संत निर्मल दास जी की मेहनत अते लगन सदका इस खूबसूरत 2 मंजिला इमारत विच 33 तो वध शानदार कमरे ने जिस विच मीटिंग हॉल बच्चियां लई हर तरह दियां फैसिलिटीज ते इस दे नाल नाल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया अते बच्चियां दी गिनती 500 तो वध हो चुकी है। स्कूल दी बिल्डिंग दा नक्शा तैयार किया मैडम संतोष जी ने ते आओ जानते हैं कि मैडम जी की कहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट बारे। डिजाइनिंग करते समय जो बाबा जी का एक ड्रीम सी फॉर चैरिटी चैरिटेबल जो मैं एक गल सुननी पई कि बच्चों असी चैरिटेबल एजुकेशन दे रहे हैं पुअर बच्चों दे रहे हैं तो मेरे मन का भी एक सपना सी कि जो असी पढ़ते होंगे सी बड़े गरीब परिवारों चो पढ़ कितने पहुँचे हैं लेकिन असी अगे जाके कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकी। इस प्रोजेक्ट में सानू बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलया। मैं बाबा जी ने कहा कि बाबा जी ये प्रोजेक्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करांगी जो ये डिजाइन किया कि बड़ा मेरा वड्डा ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के पहुँचा क्योंकि इन्हों की जी मैनेजमेंट कमेटी है वो संत ने क्योंकि जो संत काम चलाते हैं उन्होंने फिर नाल संगत जी बड़ी श्रद्धा नाल जुड़ी होंगी है। एक आम बंदा जो काम करता वो इन्नी श्रद्धा नहीं होंगी कि वो कोई अपनी सैल्फ इंट्रस्ट भी हो सकता क्योंकि संतान का कोई सैल्फ इंट्रस्ट नहीं होंगे। ये सोच के श्री गुरु रविदास जी महाराज नाते पहला मेरा प्रोजेक्ट से जो इंडिया के मतलब इंडिया के पहला प्रोजेक्ट मैं डिजाइन किया इनू मैं प्रोपरली अस्थैटिक लुक दी है तुम देख सकते हो बिल्डिंग की सूँ इस पिक्चर मिल जाएगी किस तरह डिजाइन की गई है प्रोपरली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेरे सारे मेन पॉइंट से यदि सुपर जी सारी फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन की गई है पिलर सपोर्टड बिल्डिंग है जो मर्जी वॉल सारियाँ रिमूव कर सकते हैं और ये जिन्हें बच्चों दिन फैसिलिटी लाइक इनडोर गेम्स आउटडोर गेम्स
लाइब्रेरी या कंप्यूटर लैब आ प्रिंसीपल का एडम ब्लॉक वट जो भी रिक्वायरमेंट से अपने वालों मैं पूरा करने की कोशिश की आ और बच्चों की पूरे इस सेफ्टी आ कोई योजे प्रॉब्लम नहीं वाटर कूलर जो भी वाटर की प्रोविजन से उस प्रॉपर एक्वागार्ड लगे हुए हैं वह प्रॉपर स्पेस लोकेट की गई है बच्चों के रैसट रूम ने स्टाफ के रैसट रूम ने वो भी प्रॉपर डिजाइन किए गए कोई योजा नहीं कि तुम एंटर करो सू बिल्डिंग से एंटर करते सूँ योजना चीज़ा मिलनगिया प्रॉपर एंट्री या एंट्री गेट से सूँ सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। आदमपुर उदेशिया लेसड़ीवाल मदारा जंडू सिंघा कपूर अते लागले होर बहुत सारे पिंडा तो बच्चे इत्थे पढ़न आउंदे ने अते अपने दिन की शुरुआत करदे ने रब दे नां तों टीचर्स की देखरेख हेठ बच्चे लाइन्स बना के प्रार्थना करदे ने। इंग्लिश मीडियम वाले श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल विच यूकेजी तो लैके दसवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। जिन्हां बच्चों के सिर ते पिता का साया नहीं जानी कि फादरलैस बच्चों इत्थे मुफ्त विद्या दित्ती जांदी है ते जे किसी परिवार के एक तो वध बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने भी खास रियायत दित्ती जांदी है। बाबा निर्मल दास जी जिथे साधु संपर्दा दे 360 डेरियां दे मुखी ने उस दे नाल नाल ओ विद्या दे खेतर विच भी बड़ा योगदान पा रहे ने अते उन्हां दे इस स्कूल नूं लैके भी बड़े सुपने ने। साडा स्कूल दा तां प्रोजेक्ट लगभग ठीक हो ही चलिया कोई नज़दीक पहुँच गया तो हुण साडा फ्यूचर यह है कि असीं टैक्नीकल कॉलेज बारे सारे महापुरशां वल्लों और जो साढ़े बच्चे इस तों पढ़ के जाणगे असीं कहिंदे बाहर ना जाण इत्थे टैक्नीकल कॉलेज दे विच अपनी वो विद्या हासिल करन ते इत्थों सर्टिफिकेट लैके जाण चाहे वह विदेशों में कितें भी जाण उन्हां नूं सर्टिफिकेट दे के उन्हां जॉब मिल सकती बहुत वधिया तरीके दे नाल। विद्या दे नाल भी गुमराह हो जांदा ज़्यादा विद्या पढ़ने दे नाल और अध्यात्मक तो बिना गुरुआं तो बिना गुरबाणी तो बिना जो विद्या पढ़ता महाराज ने लिखा कि सरबण मनन निध्यासन सुनिया मनिया मन कीता पाओ विचारना बहुत जरूरी है तो विद्या पढ़ के विचारना और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना जीवन उदों तक नहीं बनेगा जदों बंदा अध्यात्मक नहीं बनता तो जदों तक गुरबाणी नहीं पढ़ता जदों तक महापुरशां की संगत नहीं करता चंगे उस्तादां की संगत नहीं करता उदों तक बंदा भटक सकता तो इस करके अध्यात्मक विद्या दे नाल परमार्थ विद्या गुरबाणी की विद्या तो गुरु विद्या ये जो बहुत जरूरी है। विद्या भी कई तरह की है ना कई बार विद्या भी भटका दी इंसान नूं तो सब तो पहला विद्या पढ़ना और विचार करना फिर जीवन बनाना फिर अध्यात्मक करना फिर परमार्थ करना ये सारिया जो आउंदियां मंजिल ये सारिया तय करनिया पैंदियां फिर बंदे नूं कोई सोझी आउंदी है। इस स्कूल दे 50 दे करीब गरीब बच्चों का खर्चा विदेशों वसदे NRI भरा चुकते हैं अते अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करते हैं बाकी काम भी सारी संगत की सपोर्ट नाल ही होंदे ने। 6 बसा यूके की संगत वालों गुरु रविदास पब्लिक स्कूल नूं भेट कीतियां गईयां ने
ਅਤੇ 25 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2013 'ਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 82% ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 86% ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜੋ ਸੀ 450 ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ NRI ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੇਮਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।